नमस्कार मित्रांनो, मी तुम्हाला भवरकडी टाकून म्हशीसाठी किंवा गाईसाठी एक नवीन प्रकारचा मोरखा बनवून दाखवतोय। मला मागच्या व्हिडिओमध्ये 2-3 कॉमेंट्स आल्या, त्यानुसार काही लोक म्हणतात की हिंदीमध्ये पण सांगा। मग मी आजचा व्हिडिओ तुम्हाला हिंदीत समजावून सांगतो। तर त्याला काय करायचं, 8 mmचा एक रेशमचा दोर घ्यायचा आहे, तो साधारण 3 ओळ घ्यायचा आहे, 3 हात, 1 2 ये 3 हाथ रस्सा मैंने 8 mm कर लिया। उसको दोनों सिरे पकड़ के इसका सेंटर निकाल लेते हैं। ये सेंटर निकाल लिया, बाद में 1 2 इसे गिन लो। उसके बाद में ये सेंटर वाला पोजीशन जो है ये उंगली में पकड़ो, ऐसा 1 2 और 3 सिरे तैयार हो गए। ये 3 सिरे तैयार होने के बाद इसको मैं ये हाथ में पकड़ लेता हूं। अब ये लंबे वाले सिरे जो है ये दोनों के बीच में डालना है ऐसा, और फिर राइट वाला जो सिरा है वो लेफ्ट में लेके उसके ऊपर अंगूठा दबा देते हैं। ये देखो, ये जो राइट वाला है उसको लेफ्ट में मोड़ के उसके ऊपर अंगूठा दबा देते हैं। उसके बाद में ये लेफ्ट वाला जो है इधर मोड़ के ये रिंग में डालना है, इसको धीरे धीरे खींच के एक गांठ तैयार हो जाती है। ये सामने वाला सिरा है, ये पीछे वाला हिस्सा है। ये पीछे ऐसी आएगा और सामने ऐसा आएगा। इसके बाद में अब पाइप डालेंगे अपन। पाइप ये सिरे में आएगा, अब इसमें पाइप डालते हैं। इसमें पाइप डाल दिया, उसके बाद में ये दूसरा सिरा पहले के अंगूठे में दबा देते हैं, फिर ये लंबे सिरे में भंवरकड़ी फंसा देते हैं। मैंने एक सिरे में पाइप डाला है जो नाक पे आएगा, और ये लंबे सिरों में भंवरकड़ी डाल दिया। अब ये पाइप कहाँ डालना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब एक सिरे में मैंने एक उंगली में, पैर के उंगली में एक सिरा दबा दिया, और अगला हिस्सा जो है वो मेरी तरफ किया। फिर जो हिस्सा बचता है उसमें मैंने पाइप डाला, और जो लंबे सिरे है उसमें मैंने भंवरकड़ी डाल दी। अभी ये ऐसा पकड़ना है, उसके बाद में लंबे सिरे ये हाथ पे डाल दिया, ये दोनों के बीच में से, ये दोनों के बीच में से मैंने ये दोनों सिरे खींच लिए। खींचने के बाद मैं इनको उंगली में डाल देता हूँ, उंगलियों पे डाल दिया मैंने। ये ऐसी पोजीशन आएगा, फिर ये लंबे सिरे इधर आए, इसमें ये पहला वाला सिरा है, इसमें से ये दोनों सिरे इसमें डालना है, जैसे कि मैं भी डाल रहा हूं। इसको खींच लेते हैं। खींचने के बाद ये दोनों सिरे ये पीछे से इसमें पिरो देते हैं, इसको खींच लेते हैं। अब धीरे धीरे खींचना है इसको सब। ये बन गई मोरी। अभी ये आगे वाले सिरे जैसी यहाँ गांठ आई वैसी गांठ ये आ गई, पीछे भी वैसा ही, जैसा है ऐसा ही है। अब ये ऐसी बनाएंगे, ऐसा बनेंगे। ये बन गई भैंस की या तो गाय की भंवरकड़ी वाली मोर की। आप भी बनाना सीखो ताकि मुझे भी आनंद मिलेगा, और वीडियो देख के मेरे को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर मैं कुछ नया चीज़ बनाने का और मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।